प्रॉब्लम है। ये क्या कुर्ते है क्या सारे? आप देखो ये वो कोटा डोरिया की साड़ी आती है वैसा कुछ पे है क्या? ये लेंस देखिए, इसकी लेंस भी देखिए, अस्तर देखिए, जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ये भी सारे प्रोडक्ट हैंडमेड है क्या? ये सेमी प्रेसेस स्टोन के हैं जी, जिनकी मालाएं वगैरह बनती है, गार्नेट वगैरह, टाइगर स्टोन, ये सारे वो ही है इसके। अच्छा, ये वो की स्टैंड है? ये तो चाबी का है, सारे ये हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ट्रे हो, चाबी टांगने का ये ट्रे है, ये पेंटिंग भी उसी से ही बनी है। नहीं, एक तो ये सैंड आर्ट होती है, वो नहीं, ये वो नहीं, सैंड आर्ट नहीं है, स्टोन है। अगर सैंड आर्ट होती तो इंटरनेशनल अवार्ड नहीं मिलता। ये है देखिए, ये ग्लास के पीछे से बना है। अच्छा, ओके। ये इसको सीधा करना एक बार, इसको सीधा करना, आप उल्टा दिखाएं एक बार, उल्टा दिखाएं। अच्छा, ये तो पीछे का पार्ट है और यहाँ से पीछे से ही बनाना पड़ता है। और इतनी गर्मी के अंदर आप फैन नहीं चला सकते क्योंकि हम आइस में डालेंगे तो उड़ जाएगा। केवल फिंगर टिप से, ये दो फिंगर टिप से बनते हैं। ये तो कला, मैंने इसीलिए कहा कि जो सूट का ये हमारा बिजनेस है, लेकिन आपको आना पड़ता है कि इतने हार्ड जो है। अच्छा, ये अवार्ड सारे आपको इसी पेंटिंग के लिए मिले हैं? अब्दुल कलाम वगैरह सबसे राजस्थान अवार्ड हिंदुस्तान। ये प्रतिभा पाटिल ये हमेशा हमसे ये लेती है, आज भी लेती है। क्या बात है। पर हमें ये है कि 15 मिनट पहले ही वो बताती है और हमें तैयार बना के रखना होता है। नहीं, ये तो आपकी गजब की, ये कला तो गजब की है जी आपकी। देखिए ना, बिल्कुल डिफरेंट चीज है ये तो। ये मैंने बनाई है। अच्छा, ये भी वैसे उल्टी तरफ से बनेगी? हाँ, सारे इससे बनती नहीं है। क्या प्रोडक्ट है? लाख के प्रोडक्ट, लाख की चूड़ियाँ है ना? ये शेर भी आपने लाख के बना दिया? इसके नीचे जैसे ये हिरन का मुंह बनाया हुआ आपने, इसके नीचे क्या लाख भरी हुई है? हाँ, अंदर तो जैसे बेस होता है। हाँ, ये बेस किस चीज का बनता है जी? लकड़ी का, किसी का भी, मेटल का, जिसका भी हो। अच्छा, लकड़ी के बेस के ऊपर लाख है, लाख के ऊपर कांच चिपके हैं। हाँ, कांच चिपके हैं। जैसे ये स्टील की चली है, इसके ऊपर। अच्छा, ये इसका बेस जो स्टील है, कांच पे सब हो सकता है, लाख किसी पे भी चिपक सकता है ना? आप खुद बनाते हैं बाबूजी? हाँ, मेरा 40 साल पुराना काम है। और ये तो जो अट्रैक्शन आया ना, अब आया है 2-3 महीने में, पहले थोड़ी ऑलरेडी बनाते थे। आप इसको ऑनलाइन भी बेचते हैं? ऑनलाइन बेचते हैं? ऑनलाइन मुझे पता ही नहीं क्या होता है मैडम, क्या सब कहते तो। ये नंबर है बाबूजी के जी, किसी को जरूर। तो आइटम बहुत सुंदर है इनके। 150 कौन सी है? बहुत ही बढ़िया। ये 150 ये मूव नहीं करेगी, ये 250 से मूव करती है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये 550 का है, ये 450 का है, ये मूव करेगा। सारा देखो तो सुन कर, और ये भी अनब्रेकेबल है, फाइबर का है ये, टू साइड टू जगह नहीं है। किस चीज से बनाया है ये? जूट, जूट फाइबर, देखो एक बटन अनब्रेकेबल है, ये टू जगह नहीं है। नहीं, गटिया नहीं है, सारे अच्छे हैं जी, बढ़िया है सारे के सारे। और आपने ये तो सरस्वती माता की फोटो बना रखी है, ये किस रेंज में? ये 550 का है, 50 रुपीज कम हो जाएंगे। ये 450 का है, इसमें 1-2-3 फ्रेल है, 2 फ्रेल है। नहीं, बहुत गजब के, आपके यहाँ की सबसे सुंदर स्टॉल लगी मेरे को ये। हाँ, मेरे 40 साल में मेरे को फर्स्ट प्राइज मिलता था मेलों में। अच्छा। हाँ, मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला है। फिर आपने बीच में क्या बंद कर दिया था? मैंने 15 साल से मेरे लाइन बंद कर दिया है, ये 15 साल बाद कर रहा हूँ ये। एक बात और भी है, जो भी कस्टमर देखता है ना वो अपनी लाइफ में पहली बार देखता है। तो भैया कंघिया सारी हैंडमेड है जी सर, मैन्युफैक्चरिंग है सर। ये टोटल डिजाइन कितनी होगी इस टाइम आपके पास? समझ तो यही है सर,
मेरे हिसाब से आ रहा हूँ पुणे से। अच्छा, ये आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पुणे में? नहीं पुणे में नहीं, नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ये सारे आइटम लकड़ी के बने हुए हैं और किसी को जरूरत हो तो आप ये फ़ोन नंबर है भैया जी के, इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। नहीं ये हैंडमेड नहीं है, ये हैंडमेड है। और ये आइटम क्या है भैया, ये लकड़ी क्या है? ये बांस। अच्छा, बांस से बने हुए हैं, बट ये हैंडमेड नहीं है। ये भी हैंडमेड है, सारे जितने बने सब हैंडमेड। और क्या मटेरियल क्या है? ये फोम है। अच्छा, फोम से बने हुए फोम और वुडन है। ये भी सारे हैंडमेड है। ये क्या लकड़ी कैसे लग रहे हैं यार? वुडन है ना। और इसके ऊपर कलर कैसे किया भैया फिर आपने? वो मैं तो नहीं बना, तो घर पे बनाते हैं सब। हाँ नहीं मतलब फिर कलर कैसे होता है? जो होता है गर्म पानी में गर्म होता है, कलर डालते हैं फिर उसको एक करते हैं। सुमन देखो कितने सुंदर कलर कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे, वैसे तो यूँ लग रहा है दूर से जैसे चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे प्लास्टिक वाले। काफ़ी टाइम लगता है बनने में, बहुत टाइम। जब भी तो हैंडमेड है ना तो ये। और क्या प्राइस क्या है इस पूरे बंच की? पूरे बंच की पर स्टिक 50 रुपीज़ है। अच्छा, पर स्टिक 50 रुपीज़ है। और आप हो कहाँ से भैया? बाड़मेर से। 63 हाँ 77 हाँ 36 हाँ 14 66। अच्छा, आपके पास हाल फिलहाल इस काथा वर्क के अंदर वो नहीं है जैकेट? जैकेट और मंगवाना चाहे तो आप भेज सकते हैं किसी को? बिल्कुल, वहाँ से कुरियर आ जाएगा बाड़मेर से। हाँ आ जाएगा, कुरियर तो ऑल इंडिया में कहीं भी आ सकता है। इसमें आप ऑर्गेनाइजर हैं? जी। बट मैंने ये सुना है कुछ लोगों से कि ये सारा फ्री आप स्टॉल देते हैं, स्टॉल सारी फ्री हमें। अच्छा, मतलब बट ये मतलब मैंने जो देखा 80-90% सारे प्रोडक्ट हैंडमेड है। हैंडीक्राफ्ट है। आई एम प्रोवाइडिंग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टू हैंडीक्राफ्ट पर्सन। गरीब लोग हैं जिनके स्किल्स तो हैं पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना, तो गरीब लोग हैं जो जो बहुत महंगी स्टॉल होती है जहाँ फेयर लगता है वो वहाँ ले नहीं सकते। हाँ वो वहाँ ले नहीं सकते। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 50 का 2 है। अच्छा, आप खुद बनाते हैं? ये वो पुरानी चित्रकारी नहीं होती थी, चित्रकारी जो होती थी ना उसी के बना। ब्लैक कर दो, ब्लैक और दीवार पे लगा दो, कुछ आगे भी लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुरानी परंपरा बनाए। हाँ ये यही बना रहे हो आप? अच्छा, तो उसको मतलब उसको बना दोगे आप? जो आपने देखा वो आप बना दोगे? ये कितने की है बाइक? अच्छा, ये अब यहाँ के लगता है कि हैंडीक्राफ्ट फेयर में आए हुए हैं। हैंडीक्राफ्ट का मतलब ये है ना कि आप जो चीज़ हाथ से बनाते हो उसकी वैल्यू है। ये सारे प्रोडक्ट भी हैंडमेड है क्या? हाँ हैंडमेड है। और किस मटेरियल से बने हुए हैं? पीस का है। हाँ जी, पीस पीस क्या प्रोडक्ट होता है? बीन्स। ओके, क्या बता रहे हैं? 250 में। हैंडमेड प्रोडक्ट तो महंगे होंगे ना यार। मशीन मेड तो वो तो एक साथ आपको 1000 प्रोडक्ट बना के देंगे। ये तो हाथों से बना, ये सारा डिजाइन हाथों से किया हुआ है। और एक बार बताओ इसके जो धागा यूज करते हो वो कौन सा, कोई प्लास्टिक का है? मतलब ब्रेकेबल? थोड़ा सा प्लास्टिक वाला है ना। हाँ, और वो टूटता नहीं है? नहीं टूटेगा।
वन टू थ्री कर लेना। आप कहाँ जयपुर से हैं? ये क्या चॉकलेट है? ये होममेड चॉकलेट्स हैं, हम लोग घर पे बनाते हैं। बच्चों के टूटी फूटी चॉकलेट है, बच्चे नट्स नहीं खाते हैं तो जी 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 ना, उसमें मेल्ट करके कोई भी नट्स खिला सकते। तो आपने यहाँ पॉपकॉर्न है? पॉपकॉर्न है, हम एक बार ट्राई करेंगे। क्या प्राइस है? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ ये भी लेते हैं। प्राइस भी हमने बड़े रीजनेबल रखे हैं यहाँ पे। स्टॉल भी है और ये चॉकलेट का भी आपका है। धूप के कारण हाँ। आप मेरे को आपका नंबर दे दोगे? तो नंबर बताएं प्लीज। 9090150658 कल्पना वर्मा, ठीक है। आप दिल्ली से हैं? अब आपकी मम्मी का जो बिजनेस है चॉकलेट का, वो आप फ्यूचर में खुद उसको चलाएंगे? मम्मी नहीं, आप उसको आगे तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे? हेल्प तो मम्मी खुद ही कर रहे हैं अपनी। ये क्या प्रोडक्ट क्या सुमन, आपको पता लगा इसका? अच्छा वुलन पोंचो। आप कहाँ से हैं मैम? आपका कोई कार्ड है? प्लीज वहाँ क्या इतने कलर चलते हैं क्या? अच्छा नहीं, इसकी इस सूट की खासियत क्या है जो अपने को पता लगे ये पाकिस्तानी ऐसे, मतलब प्रिंट वाइज? पाकिस्तानी प्रिंट वाइज। अच्छा आपने ये देखा ना, जरी वर्क हो रहा है ऐसे जी, थोड़ा थोड़ा चमकीला होता है, आपने देखा होगा तो पाकिस्तानी कलरफुल ज़्यादा पसंद करते हैं वो, है ना? एम्ब्रॉयडरी वगैरह थोड़ा चमक। हाँ जी हाँ जी। आप गुजरात से हैं? और ये पेंटिंग है या क्या एम्ब्रॉयडरी है? प्रिंट है, डिजिटल प्रिंट है। अच्छा डिजिटल प्रिंट है ये। ये हमारा हैंडवर्क है, ये ना जो पूरा हैंडवर्क है, ये काम हमारा ये हैंडवर्क, पूरा हैंडवर्क आता है, एप्लिक बोलते ना। बट इसके ऊपर तो कपड़ा लगा हुआ है ना ये वाला? हाँ एप्लिक है, पूरा हैंडवर्क है, हाथ से बनता है पूरा। तो बस सबसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई इस ऐसे हैंडमेड प्रोडक्ट जहाँ पे भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई छोटा मोटा एग्जीबिशन लगती है तो उसको अपने को हेल्प करनी चाहिए, वहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई जगह पे, नए इसी टाइप की डेस्टिनेशन पे। टिल देन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।